किंगडम शुरू होते हैं, जिसमें पहले उनकी ट्रिक आती है हसीन माशुका आ हरयक सा शिशुनाग ना नंद मा मा मौर्य सा शुंग का कर्णव आ आद्र सातवाहन वंश। मगध साम्राज्य जयंद्रम के 16 माज में सबसे शक्तिशाली था हरयक वंश, जिसका संताप बिंबसार था। 15 वर्ष की आयु में सम्राट बना, 52 वर्ष तक शासन किया। प्रथम राजनी राजगृह में बनी बिंबसार ने 3 विवाह किए। राजवैद्य जीवक था, फिर इसका पुत्र अजातशत्रु बना जिसने इसकी हत्या कर दी थी। फिर प्रथम बौद्ध संगति भी इसी ने कराई थी राजगृह में, इसे पितरहंता वंश भी कहते हैं। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी। ये शासक पितरहंता वंश कहलाया, पाटलिपुत्र शहर बसाया सोन नदी किनारे। और इसके 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध मुंडक और नागदशक थे, अमात्य प्रधानमंत्री का। और उसका अंतिम शासन नागदशक का था, और उसके अमात्य शिशुनाग ने उसकी हत्या कर दी थी। फिर शिशुनाग वंश था, पूर्व शिशुनाग का स्थापक शिशुनाग था, अवंती पर अटैक करके मगध मिलाया, वैशाली में स्थानांतरित किया। इसका पुत्र काल अशोक बैठा, और द्वितीय बौद्ध संगति इसी ने करवाई थी। इसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी। फिर नंदवंश शुरू हो गया। इसका आखिरी वर्षक नंदीवर्धन था, और शिशुनाग की हत्या कारण इसका महापद्म नंद करेगा। नंदवंश महापद्म नंद था, क्षत्रियों का विनाशकर्ता करने वाले कहते हैं। कलिंग विजय में एक नहर बनवाई थी, 8 पुत्र बने थे। 8वां धनानंद था, धनानंद ये बहुत ही क्रूर शासक था, स्थायी सेना रखी थी। यूनानी शासक सिकंदर महान इसके टाइम में आया था। झेलम चेनाब में राजा पोरस को हराकर पहला विदेशी आक्रमण ईरानी आक्रमण था। डेरियस ने पहली बार विदेशी किया, सिकंदर दूसरा था। किनिप का बेटा था, इसकी मृत्यु बेबुलिन में हुई थी। सिकंदर के गुरु अरस्तु विश्व का राजा था, और विश्वविद्यालय तक्षशिला था इस टाइम पे। और चाणक्य इसका सलाहकार था, लेकिन चाणक्य का आदर नहीं करता था। और चाणक्य 14 वर्ष के बच्चे को ट्रेन किया और इस धनानंद को मरवाया। चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्यवंश शुरू हुआ चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके टाइम में ही चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य लेखक हुए थे। महाभाष्य पतंजलि अर्थशास्त्र लिखा, मुद्रा राष्ट्र विशाख दत्त ने, इंडिका मैगस्ती ने, कल्पसूत्र भद्रबाहु ने, और सुदर्शन झील बनवाई थी इसने, स्कंदगुप्त ने कराई थी। ये जैन धर्म का अनुयायी था, पहली जैन संगति इसने पाटलिपुत्र में इसी ने कराई थी। फिर माता मूर थी, ये क्षत्रिय था, पहला विदेशी यात्री मैगस्ती था। सेल्युकस सिकंदर सेनापति था कर्नाटक में चंद्रगुप्त 293-98 BC में इसकी मृत्यु हुई थी। और फिर इसके बाद इसका बेटा बिंदुसार बेटा, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, इसका बेटा अशोक था। 16 पत्नियां थी, इसके प्रिय पत्नी थी संभाधरण, इसका अशोक ने जन्म दिया था। 101 बेटे थे, अशोक ने 99 भाई मारकर सिंहासन पर बैठा। इसके समय तक्षशिला का विद्रोह हुआ, अशोक ने दमन किया। और फिर बाद में जो है इसके 2 विदेशी यात्री आए, डायमैक्स और डायनेमैक्स। ये आजीवक संप्रदाय जैनधर्म का नवाई था। इसने सुशील इसका सुशीम बेटा उत्तराधिकारी बनेगा। 272 BC में मर गया। फिर अशोक ने 99 को मारकर बैठा। अशोक इसका जो महान शासक था, बिंदुसार का पद प्राणों में इसका प्राणों में से अशोक वर्धन कहा गया। इसका अभिलेख सफलता पूर्व 1837 में जेम्स विकस ने पढ़ा था। पहला विवाह इसका उज्जैन की राजकुमारी महादेवी से हुआ था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने केवल एक युद्ध कलिंग लड़ा, फिर वहाँ की राजकुमारी रूपाणी से इसका विवाह हुआ। इसके कुणाल पुत्र हुआ, इसके बाद दशरथ पुत्र होगा। फिर जो है सबसे बड़े स्तूप इसने बनवाए थे, इंडोनेशिया में है। दशरथ की पुत्र के बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक भयदत्त था। इधर इस युद्ध में अशोक ने जो कलंग युद्ध में जब बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म के उपभूत किसी तरह इसने पहली तीसरी बौद्ध संगति इसने कराई थी। और इसने शैव बौद्ध आजीवक संपद धर्म को पालन किया। लुम्बिनी ग्राम को टैक्स फ्री कर दिया, 1/8 भाग लेंगे। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, धमरेन स्तूप सारनाथ यूपी में अशोक ने बनवाया। इसका सारनाथ स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 4 शहरों वाला है। और इसके बाद जब इसका बेटा भयदत्त अंत में वंशज जो था इसका सेनापति पुष्पेंद्र शुंग ने भयदत्त की हत्या करके शुंग वंश शुरू करेगा। और शुंग वंश हुआ पुष्पेंद्र शुंग, इसका राजधानी विदिशा। बुद्ध धर्म वैष्णव धर्म भागवत धर्म का विनाशक कहते हैं। बाणभट्ट ने हर्षरित और लिखी, और इसे अशोक के 84,000 स्तूप इसने नष्ट करवाए। और 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, पतंजलि महाभाष्य ने करवाए थे। और योग सूत्र संस्कृत भवन में, और इस योग सूत्र और संस्कृत भाषा में इसके पहला विदेशी आक्रमणकारी इंडोग्रीफ आया था, और हिंदी आते और इंडोग्रीफ आया था हिंदी। और जो है फिर अग्निमित्र इसके बाद शुंग वंश में पुष्पमित्र का अग्निमित्र शुंग बैठेगा। ये पुष्पमित्र का उत्तराधिकारी था। शुंग वंश का अंतिम संस्कार था देवभूति, जिसकी हत्या करके सेनापति वसुदेव ने कर्णव वंश शुरू किया। कर्णव वंश वसुदेव संस्थापक था, वह ब्राह्मण वंश का था, वैदिक धर्म संस्कृति का संरक्षक था, विदेशी आक्रमणकारी शक ने किया था। ये इसके 5 जो है इसने 5 शाखाओं अफगानिस्तान मथुरा पंजाब पश्चिमी भारत दक्षिण, ये विदेशी आक्रमण के शासक थे। और सुदेव के बाद भूमिपति नारायण सुशर्मा हुआ। सुशर्मन की हत्या 30 BC में सुमुख ने करी थी। और
फिर उसके बाद वध आ, उसके बाद वंश आद सातवाहन वंश शुरू हुआ। आद सातवाहन वंश सिमुख से शुरू हुआ था, 28 महान शासक हुए। पहला इसमें महाशतकर्णी प्रथम था जो पुत्र था शतकर्णी प्रथम। इसने दो अश्वमेघ, दो राष्ट्रीय यज्ञ कराया, रजत मुद्रा का चालन कराया। हाल ये सातवाहन वंश का संस्थापक था। इसने प्राकृत भाषा में सप्तकशी नामक पुस्तक की रचना की। गौतमी पुत्र शतकर्णी ये 23वां शासक था जिसे एकमात्र ब्राह्मण का द्वितीय ब्राह्मण था। वशिष्ठ पुलिगमी प्रथम आद्य समाज राजधानी प्रतिष्ठान औरंगाबाद राजधानी थी। यज्ञ श्री शतकर्णी व्यापार का जरियान प्रेमी था। सिक्कों का सिक्कों पर जहाज के चित्र बनवाए थे, शीशे के सिक्के से चलवाए थे। फिर उसके बाद चेदी वंश शुरू हुआ।